मम्मी पता नहीं क्यों आजकल मेरे पे बहुत गुस्सा करने लगी है यार। इसको खाना खिलाना बहुत मुश्किल सी। बुआ का व्लॉग बना लो, बुआ का व्लॉग ऑन करो, बुआ को समझाओ सब। बेटा मेरे पास है चाचा। कैसे हो? राजेश को क्या बोलते हैं? पानी। तो गाइस अभी हम लोग फिल्म सिटी के अंदर आ चुके हैं। क्या करोगे आप राजेश से? व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारा न्यू सॉन्ग आ चुका है वीके म्यूजिक के ऊपर कन्फेस। तो फटाफट जाओ, जिसने अभी तक सॉन्ग चेक नहीं करा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप गाने को चेक करो। और अगर आपको गाना नहीं मिल रहा तो आप सीधा जाके हमारे वीके म्यूजिक को सर्च करके भी देख सकते हो। सो अभी व्लॉग को मजा लेंगे गाइस। मम्मी पता नहीं क्यों आजकल मेरे पे बहुत गुस्सा करने लग गई है। मम्मी तो मेरे पे गुस्सा आंदा है सारे दंदा मैं गुस्सा कहते नहीं करती, अपने आप ते करने पे गुस्सा। खाना खिलाना बहुत मुश्किल चीज है। राजा मैंने रात आपको कितना कुछ दिलाया था, प्यार नहीं है मेरे साथ फिर आपका? आ कर लो एक बार जाजा। ये नाटक कर रहा, हंस रहा है, देखो नीचे मुंह करके। तो गाइस अभी जस्ट मैंने ब्रश किया था और जैसे आप लोगों को पता है कि प्रिंस भैया चंडीगढ़ में है और युविका दी काफी दिनों से अपने घर पे ही थे, मतलब आंटी वाले घर पे थे क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, प्लस उनका कुछ शूट्स वगैरह चल रहा था तो वो अकेले थे तो इसलिए वो उधर चले गए। तो इस वजह से दी आज काफी दिनों बाद इधर आई है। क्या हुआ राजा, क्या कह रहा है? कह रहे चलो आप भी। राजा मौसी नहीं जाएगी, हम चलते हैं। चलो इसको रहने दो, यही सड़ने दो इसको, यही चलो चलो मान गया। चलो बुआ का व्लॉग बना लो, ऑन करो, बुआ को समझाओ सब चीजें, कौन वेट कर रही है? बुआ हैंड तो हटाओ। हाँ यस, कोमल हमारा वेट कर रही है। कोमल आपका वेट कर रही है। तो गाइस इस वक्त मेरा वीडियो अभी सबसे सबसे बड़ा ब्लॉगर बना रहा है। मेला पाला लाजा, मेला पाला लाजा। मम्मा कहाँ गई? क्या रे तू डैडा ही है ना? मम्मा नहीं है, मम्मा गई है। अब कोमल को डराएंगे। कोमल कोमल डरा दे तोमल तो। राजा आई लव यू, कैसे हो? मुझे तो पता ही नहीं। केक काटेंगे आपके पास रखा है? हाँ। कहाँ से लाए हो? मैं दुकान से। राजेश को क्या बोलते हैं? पानी। निहाल पानी। ओए होए मस्त लगा। मुंह बना, मुंह कैसा बना रहे हो फिर? ऐसे क्यों बना रहे हो जब अच्छा लगा है? ऐसा नहीं करते कम। टॉफी नहीं खाई ना? क्या बोला आपने कोमल को? गेट क्यों बंद करूं? आपने क्या बोलना बताओ? क्या बोला नॉर्मल को? बताओ नॉर्मल, नॉर्मल बताओ मुझे। टॉफी मांग रहे हो ना आप नॉर्मल से? क्या बोला इसने? मेरी सुबह से टॉफी का झूठ है तेरी तो। सो गाइस फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं फिल्म सिटी, द मुंबई द फिल्म सिटी, मुंबई फिल्म सिटी के हम लोग निकल रहे हैं और काफी मजा आने वाला है। ऋषित भाई को बुला लिया, पहली बार देखेंगे। चलो भाई आज दिखा देता हूँ तुमको भी। तो गाइस अभी हम लोग फिल्म सिटी के अंदर आ चुके हैं, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी थी वो क्लियर हो चुकी है, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं क्या सीन बनता है, किस किस मूवी का सेट देखने को मिलता है, किस किस सीरियल का। सो गाइस एक चीज और हो रही है कि अगर हम लोग यहाँ पे आते दोनों तीनों बंदे तो हमारी एंट्री होने के चांसेस थे क्योंकि हम कॉल करके पहले कन्फर्म कर लेते, लेकिन अभी हम सात लोग हैं तो इसलिए हम लोग को इस बस से जाना पड़ेगा अगर हम लोग को फिल्म सिटी पूरा घूमना है तो। उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ चार्जेस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पूरी फिल्म सिटी इस बस से घूमोगे आप, सारे सेट्स वगैरह इंडोर आउटडोर सब जगह से लोग दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि राजा के साथ कंफर्टेबल है ऐसे जाना क्योंकि इसका दूध वगैरह सब कुछ रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, अगर अगर कंफर्टेबल है तो ही जाएंगे। क्या हुआ, बिना बात के नाराज हो रहे हो? सो गाइज प्लान थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि अंधेरा होने वाला और वो बोल रहे हैं कि जो सेट से अंदर वो ऐसे नहीं दिखाएंगे। सिटी आप बाहर से घूम सकते हो
और अगर आपको वो देखनी है क्या बोलते हैं उसको शूट, तो फिर आप अंदर जाने के लिए आपको मड आइलैंड जाना पड़ेगा। तो फिर तो हम अपने भाई का कृष्णा का ही देखेंगे, फिर हम और किसी का शूट क्यों देखेंगे। कोमलोरो को देखना था, मेन के शूट देखना है हमें, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुंडी भाग्य के सेट पे, वहीं पे जाके देखेंगे। यहाँ से 27 मिनट लगेंगे और राजा की वजह से भी हम लोग ज्यादा नहीं अंदर जा रहे, पता चले अंदर जाए और ये परेशान हो जाए, क्योंकि अपनी गाड़ी में बंदा कम्फर्टेबल जा पाता है, लेकिन बस में तो बड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। 70 बार तो शूज ही उतारता, तो इसलिए अभी हम दूसरी लोकेशन बता रहे हैं। भैया ने हमारा पागल बना दिया, हम ये वाले कॉलेज लेके आ गए जबकि शूटिंग दूसरे कॉलेज हो रही है। और कह रहे अरे यही हम एक घंटे से एक नंबर गेट ढूंढ रहे हैं, इसमें एक नंबर गेट इतना का है, ऐसा तैयार कर रखा है ऐसा लग रहा है इसमें बच्चे पढ़ने आए हैं। ये चाहिए था क्या राजा? देखो फ्लोर पे, देखो फ्लोर पे क्या करोगे आप राजा इससे? तो ये गाड़ी में बैठा परेशान कर रहा था, विवेक ने इसको पेंसिल और ड्रॉइंग ला दी और पूरा खुश हो रहा है। अरे रास्ते में मेरा हाथ भी किस करता ही आया है, पूरे रास्ते किस करता है। डैडा को थैंक यू बोला आपने? हाँ बोल दिया। कैसी हो? चंडीगढ़ मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे भाई की शक्ल इससे क्यों मिलती है? लेकिन अच्छी बात है खुशी दीदी, और बड़े लोग माफी नहीं मांगते, दीदी का नाम भी खुशी है। देखो बच्चा बच्चा ही होता है, इसने एक्टिंग कर दी फाड़, लेकिन अभी आ गया कि मेरा बर्थडे कैसे बनेगा और बताओ। तो हमने वापसी में आते आते प्लान बनाया था कि हम लोग डोसा खाने जाएंगे, बट राजा सो चुका था, इसलिए मैंने विवेक को बोला मुझे और कोमल को वही उतार दो, वही हम घर पे कुछ बना के खा लेंगे। खा क्या हो देन हम, मैं और कोमल जाएंगे जिम करने। कोमल का मेरे पास बस लास्ट दो दिन है यार, कितना मजा आता, हम इकट्ठे जिम जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सो ये रहा, थैंक यू। अच्छा क्या क्या डालू बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप का। सो हम लोग वर्कआउट करके आ चुके हैं, मी एंड कोमल, अब जाएंगे विवेक और मुझे लग नहीं रहा जाएंगे। जो वर्कआउट थे यार, कोमल का कल लास्ट वर्कआउट है यहाँ पे, फिर कोमल यहाँ से जा रही है। तू नहीं वो करा, विवेक शायद जिम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मैंने कॉल किया था अभी राजा को पूछने के लिए, राजा उठे कि नहीं, राजा भी सो रहा था और राजा के पापा भी सो रहे थे, दोनों सो रहे थे, तो अभी जाके देखते पर क्या सीन है। लेकिन थक गया आज बहुत, क्योंकि आज रिलैक्स करी है। हेलो गाइस, उठे नहीं अभी वो लोग, सो रहे हैं गाइस, हम जिम से आए सब सो रहे हैं। मम्मी को देख के हूँ, अरे कैसे सो रहे, तुझे छोड़ के सब सो रहे हैं, 11 बजे सब सो चुके हैं, मम्मी भी सो रही है। गाइस तो सुभांशु चौधरी ने ना कुछ दे दिया पक्का करवा रहा हूँ, क्योंकि इसको छोड़ के सब भी हो पड़े। तुझे क्यों नहीं नींद आई जब सबको नींद आई है? मैं तो काम करने वाला लड़का हूँ ना, मेहनत की
गाइस बाबू जिम नहीं जाना हमको, गाला बज गई, गाला लाजा गाला बाला बज गए बेटा। हाँ सोना भी है, फिर भी तो उठना ही, मुझे लगा मेरे फोन भी कर रहा था कि भैया सो रहे हैं। बच्चा झूठ राजा उन बच्चों से है, झूठ की परेशान नहीं करते हैं, लोई लोई नहीं करते। हंस रहा देखो, हंस के दिखाइयो, हंस रहा उठ के। मम्मा हाँ जी, उन्हें सुबह से टॉफी नहीं खाई। मम्मा मैंने सुबह से टॉफी नहीं खाई, झूठ बोल रहा ना। नहीं खाई थी। क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या दोनों प्लानिंग कर रहे हो? नहीं कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो। सो रहे हो? ठीक है सो जाओ। गैंग निकली है वर्कआउट करने के लिए, और सच में भाई मेरी आंख लग गई थी भाई के साथ, और मैं सोच रहा था पहले कि जैसे कुछ वर्कआउट करने जाएगी तो मैं राजा के साथ थोड़ा सो जाऊंगा, वरना जल्दी उठ जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके भाई डेढ़ दो घंटे का पता ही नहीं लगा कि मैं कितनी देर के लिए सो गया, और अब वो गंदा सा फील हो रहा है, जिसे रिग्रेट से नहीं होता कि क्यों सो गया यार, अजीब सा सर में हल्का हल्का दर्द फील हो रहा है। शिट, कल से लेंगे बैड डिसीजन। नो मेरा प्यारा बेटा, मेरी बच्ची। जा क्या करवा रहे हो मम्मा से आप? मसाज। और क्या लगा रही है मम्मा आपके लेग्स पे? मम्मा ने, अच्छा मेरे ओके। अच्छा एक काम सुनो, मम्मा ने मुंह पे लगाया और मेरे पैर। और सही बात है, आप लोशन लगा रही है ना, कुछ तो कहता है मम्मा ने वही लोशन मेरे लेग पे लगाया है और मैंने। मम्मा बोल मुझे यार, आप कितने कैसे लग रहा है राजा? अच्छा फाइनली आज मैंने डिसाइड करा कि सारा मैस उठा दिया जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जितना मैं रोज कम उठा रही हूँ कि यार एक साथ नहीं उठा पाऊंगी, बहुत ज्यादा कपड़े हैं, पर वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो अब मैंने डिसाइड करा कि मैं फटाफट सब सफाई कर दूंगी। हैंड करो जल्दी। आपने क्या किया? डैडा से पूछना, डैडा से पूछो। अच्छा तो मैंने क्या किया? हमने किया। आपने तंग किया मुझे, हैंड करो दोबारा। भागे फिर रहे हो इधर उधर, सामान फेंक रहे हो। पढ़ाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बच्चा जब इतनी मेहनत कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, पढ़ाई भी कर सकता हूँ। देना। राजा कपड़े चेंज करो, नाइट सूट पहनो, नीनी करनी है। मम्मा ने काट दिया। आप मेरी बात नहीं सुनते। क्यों? हाँ थैंक यू, खुद पहन लोगे? पहन लो। राजा इज वेरी गुड बॉय। राजा अच्छे से अपने नेल भी कट करवाता है, इतना अच्छा बच्चा तो किसी का भी नहीं है जितना मेरा बेटा है। आपको आपको मम्मा पेन तो नहीं कर रही ना, अच्छे से काट रही है ना, हिलना मत बस, ठीक है? गुड बॉय। राजा डैडा को हैंड दिखाओ, प्यार दिखाओ, मैंने सब कट कर लिए नेल्स। मेरा प्यारा बेटा, वाओ राजा थैंक यू। हैंड भी दिखाओ, आप मम्मा का कितना प्यार करते हो। तो गाइस क्या हुआ था कि राजा अभी हमारे साथ बीच पे गया था गोवा, तो इस मिट्टी में खेल रहा था, तो इसके पूरे नेल्स में मिट्टी घुस गई थी। उस दिन हम मौका ढूंढ रहे थे कब ये सोए इसके नेल्स कट करूं, बट फिर मैंने वहां से पूछा कि यार इस सोते टाइम इसके नेल कट करने में मुझे डर लग रहा है। माँ ने बोला कोई बात नहीं है, आराम से उठ के भी करा देता है। तो राजा ने बहुत अच्छे से नेल्स कट कर लिए, हिला भी नहीं, क्योंकि ये डर रहता है बच्चों के नेल्स कट करने में।